What's up? Welcome. Richa Singh, welcome on board. Hi, everyone. We're going to have a lot of fun today. Welcome. Hi, everyone. क्या चल अभी तुम लोगों के. आज मैं बात करने वाला हूँ अपनी फेवरेट बुक की. आज मैं बात करने वाला हूँ वो फेवरेट किताब जो कि सारे पेपर सेटर्स की और सारे स्टूडेंट्स की, जो लोग कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी फेवरेट किताब क्या है. इफ़ यू टॉक मोर अबाउट वर्बलिटी, जो मेरा सब्जेक्ट है, उसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या हमारा चाहिए होना है, प्रिपरेशन शेड्यूल क्या होना चाहिए, और जो आपको ले जाएगा 99.99 की तरफ. हे क्षितिज, कैसा है भाई? हे सिद्धेश, क्या हाल चाल है भाई तुम लोगों का? वेरी गुड. हे श्रेया, गुड सीइंग यू गाइस. एओनेसिस भी बताओगे? अरे यार, मैं भूल ही जाता हूँ एओनेसिस. चल, आज रात को मैं एओनेसिस बताऊंगा, पर आज मैं बात करने वाला हूँ हाउ टू रीड दिस ब्यूटीफुल बुक कॉल्ड एज नॉर्मन लुइस वर्ड पार मेड इजी. भैया सब कुछ भूल जाओ, तुम्हें एओनेसिस तक जा चुके हो, गार्डियन तक जा चुके हो, बहुत ही बढ़िया. पर अगर तुमने ये नॉर्मन लुइस, दिख रहा है ना तुम लोगों को, अगर ये किताब आप लोगों को पढ़नी नहीं आती है तो तुम बड़े ही बेवकूफ हो बेटा. आपको मजा नहीं आएगा कैट प्रिपरेशन करने के लिए. तो मेरा 10 मिनट का सेशन रहेगा और उसमें बहुत सारे मदद करेंगे. वेलकम ऑन बोर्ड. ओके ग्रेट. ओके, आपकी लेक्चर देख रहा था WPME. वेरी गुड. हाई एवरीवन, वेलकम ऑन बोर्ड. याद कैसे रखें? बहुत बढ़िया. आज की बात नॉर्मन लुइस वर्ड पार मेड इजी, बहुत ही मजे करेंगे. अब मेरे लेक्चर्स कंप्लीट हो गए, बहुत ही बढ़िया. नमस्कार, वेलकम ऑन बोर्ड. लेट्स वेट फॉर अदर फोक्स टू जॉइन. अभी 25-26 लोग ही हुए हैं अभी तक, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं. 5 बजे लोग आते नहीं है. मुझे ना एक आई थिंक टेलीग्राम ग्रुप बनाना पड़ेगा जहाँ पे यू नो आई कैन जस्ट पोस्ट राहुल सर इज लाइव. तो यहाँ तुम लोगों का भी अगर कोई व्हाट्सएप मैसेज है तो व्हाट्सएप ग्रुप है तो वहाँ पिंग कर दे करो राहुल सर इज लाइव, क्योंकि अपने पहले 2-3 मिनट वेस्ट हो जाते हैं यार. उतना ही मैं आपको पढ़ाने की बात कर सकता हूँ. राशि मैं थोड़ा पढ़ा भी दूंगा तुम लोगों को आपके, ठीक है. मैं आपको थोड़ा सा पढ़ा भी दूंगा कि थोड़ा सा पढ़ा भी देते हैं आप लोगों को, और मैं बताता हूँ कि बुक कैसे पढ़नी है ताकि वोकैबुलरी के अंदर आपका थोड़ा सॉर्टेड हो जाए. बहुत लोग आर्ग्यू करते हैं राहुल सर तो इंग्लिश हिंदी में पढ़ाते हैं. अरे भाई, इंग्लिश को हिंदी में पढ़ाऊंगा तभी तो तुम्हें समझ आऊंगा कि तभी तो तुम लोगों को समझ आएगा इंग्लिश में हो क्या रहा है. नहीं तो जो एओनेसिस वगैरह बड़ी बड़ी बात करती है तो भाई वो बहुत ही बड़ी बात है. पलक पांडे, कैट में वोकैबुलरी की जरूरत नहीं पड़ती. बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती कैट के अंदर वोकैबुलरी की, बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती पलक पांडे. बेटा थोड़ी सी बेटा बेवकूफ़ी है ये, थोड़ी सी गलती हो जाएगी, क्योंकि बेटा कैट के अंदर अभी वर्बल थोड़ा डिफिकल्ट हो चुका है. हाँ, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप पढ़ लीजिएगा और अच्छे से पढ़ के आपको ज़्यादा मज़ा आएगा. जब आप ऐसे पढ़ोगे ना, हाँ, जब भी आप ऐसे पैसेज पढ़ोगे तो उसके अंदर एक आपको वर्ड दिखेगा ना, तो आप वर्ड सुन के थोड़ा एक्साइट हो जाओगे. आपको पता चल जाएगा एम्पथी और सिंपथी है, थोड़ा पहले पढ़ा होगा तो बहुत ही मज़ा आएगा. ओके गाइस, वेलकम ऑन बोर्ड. डैशबोर्ड वाले लेक्चर्स इनफ हैं. अरे डैशबोर्ड वाले नॉर्मल लुइस पूरी छाप के मैंने आपको बताई हुई है, बहुत ही बढ़िया. वेट करते हैं 30 सेकंड्स और, पैरा जंबल सिखाएंगे, बहुत ही बढ़िया. मेरी कल की क्लास, ऑल कैट किंग स्टूडेंट्स, मेरी कल की क्लास जो रात की वो वोकैबुलरी के लिए है. तो वो पढ़ने के बाद जो मैं आज बताने वाला हूँ हाउ टू रीड नॉर्मन लुइस वर्ड पार मेड इजी, ध्यान से मेरी बात सुनना, दिस बुक इज इनफ फॉर दैट. और जिन लोगों ने सारे लेक्चर्स देखे हुए हैं, 6 लेक्चर्स तो यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल है, वो आप जाके देख सकते हो. जो कैट किंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पूरे लेक्चर्स अवेलेबल हैं. हेडफोन लगाओ, सुनो, डैशबोर्ड पे खत्म करेंगे. ठीक है भाई, लेट्स गेट द बॉल गोइंग. कल का सेशन अटेंड नहीं कर पाए. अरे यार, हाउ मेनी कुड अटेंड यस्टरडे सेशन? कल लोग, तुम लोगों को मजा आया कि नहीं? कल लंगर लगा था राहुल सर का, क्या भयंकर पब्लिक आई थी, 300-350 लोग. मजा आया. ए शुभम, आई नो कल मजा आया कि नहीं? मजा आया. सेशन का हेडिंग क्या था? किसी को सेशन का हेडिंग याद है? चलो मैं चॉकलेट दूंगा तुम लोगों को. चॉकलेट नहीं, मैं पिज्जा खिलाऊंगा. चलो तुम लोगों को, इफ यू गाइस, हेडिंग था एक, नहीं, एक हेडिंग था, उसके ऊपर एक लाइन लिखी हुई थी लेक्चर के पहले. मैं हर लेक्चर के कुछ ना कुछ लिखता हूँ. झकास था, गुड. किसी को पता ही नहीं है यहाँ पे, नहीं पता. एक हेडिंग लिखी हुई थी, सविता वाला जोक था उसके अंदर. नहीं, स्टार्टिंग में. वेरी गुड वर्निका शाह, आई लव दिस गर्ल. तो टॉपिक था जो जैसा दिखता है वो वैसा नहीं है, और हमने बात की थी क्रिटिकल रीजनिंग की. या एक और सेशन भी होगा सात्विक. लेट्स गेट द बॉल गोइंग गाइस. 66 लोग हो चुके हैं, 68 लोग. फटाफट लाइक पे हिट क्लिक करिए एंड आई एम गोइंग टू गेट स्टार्टेड. 66 लोग हो चुके हैं, फटाफट लाइक पे हिट करिए. आई एम गोइंग टू गेट स्टार्टेड एंड आई एम गोइंग टू टॉक ADNL, अपना दिमाग नहीं लगाना, ये भी एक रूल था. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. हे अरविंद, हाय. लेट्स स्टार्ट. वर्ड पावर मेड ईजी. लाल रंग की किताब, अंग्रेजी की किताब. किंगफिशर अल्ट्रा की भी याद थी, वो भूल जाओ भी. हाँ, वो पुरानी रात की बात. कल मैंने ज़्यादा थोड़ा ओवर कर दिया था. किंगफिशर की बॉटल साथ में ले आया था मैं, पर पार्टी कर रहा था, ईद का रिजल्ट आया इसलिए कर रहा था.
ठीक है, वापस आते हैं। नॉर्मन लुइस वर्ड पार मेड इजी, भैया लाल रंग की किताब या सफ़ेद रंग की किताब, लाल रंग में भी दो वर्जन आते हैं, ध्यान से सुनिए, मेरी फेवरेट बुक है। मैं तो लोगों को बोलता हूँ, मैं तो नॉर्मन लुइस वर्ड पार मेड इजी कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ, मेरी 2001-2005 की मेरी खुद की बुक, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कभी, तो पंजाब वाले घर में ऊपर ट्रंक पर पड़ी होगी, अमेजिंग किताब। लाल सफ़ेद, कौन सी आपको लेनी है, प्रेफरेबली सफ़ेद किताब उठाइए, सफ़ेद थोड़ी पतली है, प्यारी सी है, हैंडी है, आप कहीं पे भी लेके उसको जा सकते हो। हाफ द बैटल इज वन व्हेन लाइफ इज इजी, वंस यू कैन कैरी इट अलॉन्ग, हाँ वो पतली किताब। दोनों के अंदर फ़र्क क्या है, लाल किताब से मुझे वो याद आएगा, वो आती ना ऐड, पंडित जी लाल किताब के माहिर, लाल किताब सर आपके ऑफिस में दिया था, हाँ मितेश मेरे ऑफिस में है, वो मेरी पर्सनली बुक, ठीक है। डिफरेंस क्या है, एंड में एक वोकैबुलरी का लिस्ट आता है, वो एंड में वोकैबुलरी का लिस्ट आता है, वो जो लिस्ट है ना उसको इग्नोर कर दो, वो लाल किताब सफ़ेद किताब बन जाती है, तो दोनों सेम है, आप कोई भी ले सकते हो। नंबर वन, मेरे को वाइट किताब पसंद है, मेरे ज़माने में लाल ना बड़ी मोटी सी लगती है, लाल के और भी वर्जन है पर जो सस्ती मिले मैं तो बोलूँगा वो ले लो। दोनों के अंदर 48 सेशन हैं, ध्यान से मेरी बात सुनिए, 47-48 सेशन हैं। आप क्या करेंगे, आप प्लेज कर लीजिए, आज है 21 मई, आज है 21 मई, आप 21 मई ऑर्डर कर दिए, संडे को आ जाएगी, बहुत ही बढ़िया। मैं नीचे लिंक दे दूंगा, जिनको नहीं पता मैं क्या बात कर रहा हूँ, मेरे पास वाइट बुक है, जो भी बुक है इनके पास, जो भी बुक है, तो भाई अंदर जाएंगे आप, और 48 सेशन हैं, दिन के 4 सेशन करेंगे रोज, ध्यान सुनिए, 4 सेशन रोज करेंगे, फटाफट बैठेंगे बुक का, पहले वाले बूस्टर करने के लिए मेरा वीडियो साथ में लगा लेना, एक थोड़ा विदाउट दाढ़ी थोड़ा क्यूट सा लड़का है जवान, मेरा 4 साल पुराने वीडियो है, उसको यूट्यूब पे लगा लेना, और पहले के पहले 10 सेशन फिनिश कर देना, बड़ा ही मजा आएगा आपको। ईगो टेस्ट, ईगोइस्ट, दोनों में फर्क क्या है, मिस एंथ्रो, मिस का मतलब बुरा, बैड, अगली, हेट, मैं बताता हूँ कैसे याद रखें, मिस एंथ्रोप, जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर मिस लग गया मतलब बुरा, बैड, अगली, हेट, मिस एंथ्रोप, याद आ रहा है आपको, मैं समझाता हूँ, चलो मिस, चलो भाई मैं पढ़ाता हूँ तुम्हें नॉर्मल इंग्लिश। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू अ हैपनिंग क्लब लास्ट नाइट, हैपनिंग मतलब अच्छा कि बुरा, जल्दी बताओ, बोलो बेटा, हैपनिंग मतलब जल्दी बताओ, सौरभ गांगुली गुड वन, बोल यार, अच्छा, वेरी गुड, हैपनिंग, हाँ हैपनिंग, हैप, टुडे मॉर्निंग आई वॉज कमिंग फ्रॉम लुधियाना टू जलंधर, अभी तो मैं आ नहीं सकता, आई वॉज कमिंग फ्रॉम लुधियाना टू जलंधर, आई मेट विद अ मिसहैप, अच्छा हुआ बुरा हुआ, बुरा हुआ, मिसहैप का मतलब बुरा, जहाँ पे अंग्रेजी भाषा में मिस लग गया कुछ तो होता है बुरा, बैड, अगली, हेट। आगे चलते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट किसका डॉक्टर है बताओ बच्चों, गायनेकोलॉजिस्ट किसका डॉक्टर है, लड़कियों का कि लड़कों का, गायनेकोलॉजिस्ट लड़कियों का डॉक्टर है, वेरी गुड, लव यू टू अमनदीप सिंह, ओके, फीमेल डॉक्टर, जाइन मतलब लड़की, लॉजी मतलब स्टडी, जिसने लड़कियों के बारे में पढ़ाई करी हो, ही इज कॉल्ड एज गायनेकोलॉजिस्ट, बहुत ही गरीब लेवल पे पढ़ा रहा हूँ, स्लोली आई शो यू स्टार्स, ये आज नॉर्मल लुइस हाउ टू रीड है, क्योंकि कई लोगों को पता ही नहीं होता ये बुक क्या है, और मेरा तो फेवरेट किताब है, तो इसलिए बहुत गरीब लेवल पे पढ़ा रहा हूँ, मेरा लेवल बहुत हाई है, वो आपको कल पता चलेगा रात को, जो लोग मेरे साथ वेंसडे को अटेंड, फ्राइडे को अटेंड करेंगे, कल रात का सेशन है ना, इजी। आगे चलते हैं, हाँ मितेश तेरे को याद है, समझा, तो भाई मिस मतलब बुरा, बैड, अगली, हेट। एक बंदा है उसका नाम है मिसो गाइनिस्ट और मिसो जाइनिस्ट, बताओ बच्चों ये लड़कियों को हेट करता होगा कि प्यार करता होगा, बताओ भाई, बताइए बताइए, मिस और जाइन, मिसो जाइनिस्ट, वन हु हेट्स वुमेन, इजी वन, नो रॉकेट साइंस, वन हु हेट्स वुमेन इज कॉल्ड एज मिसो जाइनिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट से मिस, गुड जॉब तरंजीत, इजी वन, हेट, वेरी गुड, मिसो जाइनिस्ट। आगे चलते हैं, मेरा फेवरेट एग्जाम्पल गैमी, रट्टा मारो बच्चों, गैमी मतलब शादी, गैमी मतलब शादी, रट्टा मार लो, गैमी मतलब शादी, आग मार, वेरी गुड, मोनोगैमी कितनी शादी, बहुत गरीब लेवल है बच्चों, बहुत गरीब लेवल है, आई एम जस्ट मोटिवेटिंग टू गेट टू बाय दिस बुक एंड कम टू माय ट्रैप एंड गेट ट्रैप टू सक्सेस। मोनोगैमी कितनी शादी, मोनो मतलब वन, हाउ बोरिंग, तुम्हारे मॉम डैड की कितनी शादी हुई क्षितिज, विंध्या कितनी शादी हुई बेटा अपने मॉम डैड की बताओ मुझे, एक शादी, ले हाउ बोरिंग, हुस, एक शादी, नेक्स्ट वन, बाई गैमी कितनी शादी, आई होप तुम्हारे मॉम डैड सुन नहीं रहे लाउड स्पीकर पे, जो लोग मेरे क्लास अटेंड करते हैं वो लोग बोलते हैं सर हेडफोन नहीं पहना, थोड़ा ध्यान से बात करो, मम्मी सुन रही है, मैं थोड़ा गलत बातें कर देता हूँ कभी, बाई गैमी कितनी शादी, 2 शादी, वेरी गुड, बाई मतलब 2, बाई मीन्स 2, बायला वो अलग होता है वैसे
बायला मतलब टू वो अलग होता है, ठीक है, बाई गैमी मतलब टू. नेक्स्ट वन पॉलीगैमी, कितनी शादी, मल्टीपल, तीन चार पांच छह, पार्टीज ऑन मल्टीपल. आर यू गाइस विद मी? बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड. मोनोगैमी, बाईगैमी, पॉलीगैमी, नो रॉकेट साइंस. क्विक टेस्ट, देखते किसका दिमाग चल रहा है. बहुत बेसिक सेशन है आज, बहुत बेसिक सेशन. हाँ भाई, मीसो गैमिस्ट का मतलब क्या होगा, मीसो प्लस गैमी का मतलब क्या होगा, बताओ भाई. मीसो गैमिस्ट, बताओ बताओ बताओ. हे कार्तिक, वेरी गुड. हरप्रीत सिंह लांबा, पार्टीज ऑन, एक शादी दो शादी नहीं, तीन चार पांच, पार्टीज ऑन. पॉली गैमी, पॉली मतलब मल्टीपल, मीसो गैमिस्ट होता है. अच्छा मीसो गैमिस्ट क्या होगा, पॉली, और सॉरी सॉरी, वो पॉली गैमी था. मीसो गैमिस्ट क्या होगा, हेट्स मैरिज, वेरी गुड. मीसो गैमिस्ट मतलब वन हू हेट्स मैरिज, पॉली गैमी मतलब मल्टीपल मैरिज. मीसो गैमिस्ट मतलब वन, इजी वंस, नो रॉकेट साइंस, नो रॉकेट साइंस. मीन सलमान खान, पता नहीं भाई सलमान खान को तो पता नहीं क्या है. अच्छा बाय द वे, इसमें थोड़ा लड़के लड़कियों का भी चक्कर होता है. हाँ थोड़ा थोड़ा सर, 30 डेज टू पावरफुल वोकैबुलरी. ध्रुव राजा, जिन लोगों को वोकैबुलरी अपना रॉक सॉलिड करना है 29th, 30th और 1st मे को, सॉरी बट ओनली फॉर कैट किंग स्टूडेंट्स, मैं 3 दिन का वर्बल वोकैबुलरी बूस्टर सेशन करने वाला हूँ. पूरी की पूरी नॉर्मल नॉलेज खत्म, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख से 150 से लेके 200 वर्ड तक रोज करेंगे रात को. जो लोग हमारे कोर्स में हैं उनको बहुत मजा आएगा, यू विल फील वेरी पावरफुल. और मैं तब तक पढ़ाऊंगा, टेस्ट लेके छोड़ूंगा जब तक आपको आंसर नहीं आएंगे, तब तक आपको मजा नहीं है. जून जून जून, ठीक है, बहुत ही मजा आएगा. वो एंड में होगा, महीने के एंड के अंदर, ठीक है. तो भाई ये है नॉर्मल नॉलेज का मजा, कुछ नहीं कर रहे हम लोग, ब्रेक कर रहे हैं वर्ड्स को, समझ रहे हैं. अभी आपको मजा आया, मजा आया कि नहीं, मजा आना बहुत जरूरी है. अंग्रेजी पढ़ने में मजा आना बहुत जरूरी है. जिस दिन तुम्हें इंग्लिश में मजा आ गया ना, फिर तुम लोग व्हाट्सएप वर्ड यूज करोगे, अरे सर अपने को और समझाओ, अपने को और मजा आ रहा है. फिर तुम स्टाइल मारोगे लोगों के साथ, लाइक फॉर एग्जांपल, चलो मैं वर्बल कैसे इंप्रूव करें, बहुत बढ़िया, बहुत गरीबों के लिए सेशन है आज. वर्बल देखो कैसे इंप्रूव करें, देखो भाई. हाँ व्हाट्सएप वर्ड, सुगम शिव शेखावत, गुड जॉब. बम्पकिन, कितना क्यूट वर्ड है, आय हाय 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 हाय, बम्पकिन. अपने किसी भी फ्रेंड को आज घर जाके रात को बोलना, हे बम्पकिन, इसका मतलब गाउटी, ओके, इसका मतलब गाउटी. गाउटी मराठी वर्ड है वैसे, गाउटी मतलब गांव वाला. डिटेल में जाओगे तो इसका मतलब कुछ और है, गाउटी मतलब गांव वाला. और गवार इज कॉल्ड, इट्स अ व्हाट्सएप वर्ड कॉल्ड एज बम्पकिन. कितना प्यारा वर्ड है बम्पकिन और गवार. आर यू गाइस विद मी? बम्पकिन, व्हाट्सएप वर्ड्स, ओके. एक और मेरा फेवरेट व्हाट्सएप वर्ड, यू लव मी फॉर दैट, डैपर, डी ए पी पी ई आर, डैपर. किसी के भी इंस्टाग्राम में फोटो में जाके आप लोग अच्छी फोटो होते हैं, आप गरीबों की देखते हो, ए नाइस पिक्चर, ए डीपी बढ़िया, ए हैंडसम, ए बलाना अच्छे से लिखो, सर सर नहीं, डैपर क्लिक अच्छे से, वेरी गुड. कार्तिक लोखंडे, यू लुकिंग डैपर, गुड लुकिंग, स्मार्ट, स्टाइलिश एक्सेट्रा, इज कॉल्ड एज मेकअप टू, बिल्कुल बिल्कुल, इज कॉल्ड एज हैंडसम और डैपर. लड़कियों के लिए भी हो सकता है. लड़का अब ये मत काम करना, मेरे इंस्टाग्राम में ही जाके, मेरे ही प्रोफाइल में जाके, मेरी फोटो के नीचे जाके तुम लोग डैपर लिखते हो ना, मार पड़ेगा तुम्हें, ठीक है. मेरा इंस्टाग्राम इज डी कैंप लाइफ, बाय द वे, डी ई सी ए एम पी एल आई, डी कैंप लाइफ, डी ई सी ए एम पी एल आई एफ ई, नेवरदलेस. हाँ ये मत करना, डैपर मतलब वेल ड्रेस, जैजी, समझा. ये व्हाट्सएप वर्ड है बम्पकिन. एक और बड़ा ही क्यूट वर्ड है योकिल, योकिल. अरे आपका कोई फ्रेंड है उसके नीचे लिख देना, अरे योकिल लग रहा है यार तू तो, यू आर एक्टिंग लाइक ए योकिल. योकिल मतलब गाउटी, गरीब. योकिल मतलब गाउटी और गरीब, बहुत बढ़िया. ये सब व्हाट्सएप वर्ड्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं. योकिल, वाई ओ के ई एल, योकिल, योकिल होता है, बम्पकिन होता है, बहुत सारे वर्ड होते हैं. सर आप अनफॉलो कर देते हैं इंस्टा पे, मितेश यार वो मेरी टीम है, मेरे पास ना बाय द वे थोड़े डेफ लोग हैं, हेयरिंग इम्पेयर्ड लोग हैं मेरी टीम में काम करते हैं, वो लोग सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, बट दे आर वर्किंग विद मी. तो मैंने ना अपना अकाउंट बीच बीच में उनको देता हूँ मैनेज करने के लिए. तो दे हैव कम टू, तो मेरे हर सेट कैटकिंग के सेंटर में एक डेफ आदमी हमेशा होता है. तो वो ना उन्होंने कहीं पे पढ़ा हुआ है कि तुम लोग सौरों को फॉलो करो, लोग तुम्हें फॉलो बैक करेंगे, फिर डी फॉलो करो. तो सॉरी अगर तुम लोगों को मैं फॉलो करें, डी फॉलो करो, मैं नहीं कर रहा हूँ, वो मेरे हेयरिंग इम्पेयर्ड लोग हैं, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, बट दे मैनेज माई इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, सॉरी फॉर दैट. नेवरदलेस ठीक है. तो भाई नॉर्मल न्यूज़ के सारे वर्ड्स कवर हो जाते हैं, बहुत ही बढ़िया. नॉर्मल न्यूज़ पढ़ो, पढ़नी कैसे है, समझ आया. इथीरियल, क्षितिज, वेरी गुड. इथीरियल,
यार तेरी ब्यूटी ना बड़ी एथीरियल है, यू गॉट एन एथीरियल ब्यूटी, बड़ा ही प्यारा वर्ड है एथीरियल ब्यूटी। एक और बोल सकते हो एपिटोम। मैं एक व्हाट्सएप सोच रहा था शाम का 5 बजे का सेशन ना, तो मैं स्ट्रैटेजी के लिए जो होता है वो रात को 1 बजे करें, टाइम कम पड़ रहा है अभी, इतना ज्ञान देना है मुझे टाइम कम पड़ रहा है। मैं सोच रहा था रात को जो 1 बजे उसके टॉपर्स लेके आए और शाम को पढ़ाऊं मैं तुम लोगों को, कट 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 10-10-15 मिनट, ठीक है। तो ब्यूटी ऑफ द गर्ल, एथीरियल ब्यूटी आप बोल सकते हो, बड़ी प्यारी लड़की है उसको आप एथीरियल बोल सकते हो। एक और मेरा फेवरेट वर्ड है एपिटोम। हाँ रोहित गांधी, वेरी गुड, एपिटोम। यू आर एपिटोम ऐसे गलत होता है। आई वॉज डेटिंग एन एक्ट्रेस वैसे फॉर अ वाइल, नाम मत पूछना, शी डम्प्ड मी देन, म्यूचुअल था बट ठीक है, शी डम्प्ड मी। तो वो ऐसे बोलती थी, सारे हीरो हीरोइन बोलते हैं, ओ यू इट्स एन एपिटोम ऑफ स्टाइल, यू एपिटोम। मैं बोला एपिटोम नहीं होता, एपिटमी होता है, एपिटमी, समझ रहे हो। प्रोनाउंसिएशन हमें एग्जाम में पूछते नहीं है, बट याद कर, हाँ हाँ गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं, बहुत बढ़िया राष्ट्रीय अग्रवाल, मुझे पता है बेटा, मुझे पता, अंग्रेजी का टीचर हूँ मैं यार, पता है मुझे, ठीक है। तो इट्स एपिटमी, ओके, आर यू गाइस विद मी। एपिटोम, अ कंप्लीट कट, टोम मतलब कट। तो अपने फ्रेंड को बोल सकते हो यार, यू आर एपिटमी ऑफ ब्यूटी और एक्सेंट। एपी मतलब कंप्लीट, टोम मतलब कट। तुम एपिटोम बोलो, एपिटमी बोलो, घंटा फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों को कैट में 99 लेके आना है, कोई आपको प्रोनाउंसिएशन चेक नहीं करने वाला, ठीक है। नहीं नहीं राशि अग्रवाल, डोंट वरी अबाउट दैट, यू करेक्टेड मी, दैट्स फाइन। हर एक बंदे को हर सब चीज़ें नहीं आती होती, पर नॉर्मल इंग्लिश में पंगा नहीं है, आई नो दैट, ठीक है। ओके लास्ट थिंग, लास्ट, हाउ टू रीड दिस बुक, मजा आ गया तुम लोगों को, और जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग, व्हाट्सएप वर्ड्स, यू आर वेरी इंडियरिंग क्षितिज, हम वो भी कर सकते हैं। 12 दिन लॉक इन कर लो, जो लोग मेरे साथ कल फ्राइडे को जुड़े हुए हैं, याद कैसे रखना है, कल मैं फ्राइडे को बताऊंगा। जो लोग कैट किंग के स्टूडेंट्स हैं, प्लीज ज्वाइन द सेशन एट 9 PM, डोंट फकिंग मिस दिस क्लास, ओके। 1 घंटे के अंदर 100-150 वोकैबुलरी वर्ड्स करेंगे, आप साथ में नॉर्मल लिस्ट शुरू करेंगे पढ़ाई, अगले 10-12 दिन में ये पढ़ेंगे। हाउ टू डू दैट, नंबर 1 इज दैट यू हैव टू पिक अप वन थिंग, जस्ट वन थिंग, 12 दिन 4 सेशंस रोज, आज 4 हो गए, कल 8 हो गए, फिर 12 हो गए, 12 दिन में तुम्हारे 48 सेशन खत्म हो जाते हैं, लाइफ इज गुड। पेन और पेंसिल लेके बैठना, किताब लेके बैठना, जितने भी वर्ड वो नॉर्मल इंग्लिश बोल रहा है वो सारे पढ़ लेना, प्रेफरेबली मेरे तरीके से पढ़ाई करना, इट्स गोना बी वेरी गुड। और एक बार नॉर्मल इंग्लिश खत्म कर लेना, इट्स लाइक गोइंग ऑन अ टूर, पीपल हु लाइक ट्रैवलिंग, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, क्यों इंपॉर्टेंट है, इट्स लाइक पीपल, एनीबडी लाइक्स ट्रैवलिंग, नो वन लाइक्स ट्रैवलिंग, होली शिट, ट्रैवलिंग मतलब पक्का ट्रैवलिंग, ऐसे नहीं माथेरन जाते हैं ये बॉम्बे वाले बच्चे और करते हैं #wanderlust #notcomingback वैसा वाला नहीं, लाइक प्रॉपर ट्रैवलिंग इज लाइफ। आई लव ट्रैवलिंग बाय द वे, आई हैव ट्रैवल 29 countries, अच्छे वाला ट्रैवलिंग, मतलब जो इंडिया के बाहर जाते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो भाई जिनको तो ट्रैवलिंग का शौक है ना, एक किताब होती है लोनली प्लैनेट, इट्स अ टूर बुक, इट्स अ गाइड बुक। तो ये गाइड बुक लेके जाता हूँ मैं मेरी लाइब्रेरी के अंदर, अब तो बॉम्बे में रहेगी लाइब्रेरी में, पंजाब आया हूँ तो भाई पूरी की पूरी ना हर एक कंट्री की, मैं 29 countries ट्रैवल किया है, मैं हमेशा गाइड बुक लेके चलता हूँ। जब तक मेरे पास वो गाइड बुक नहीं होती है, आई डोंट इन्जॉय द कंट्री। ध्यान से सुनो, क्यों समझा रहा हूँ मैं एग्जाम्पल। तो भाई अगर मैं हांगकॉन्ग गया हूँ ना, तो गाइड बुक में ये लिखा होता है भाई हांगकॉन्ग में सिमसा शुई में चुंगकिंग मैंशन है, उसके ऊपर जाना, वहाँ जाके तेरे को रूम नंबर 15 चेक करना, रूम नंबर 15 के अंदर यू विल फाइंड द स्मॉलेस्ट बाथटब इन द वर्ल्ड। मैं फटाफट गया और ढूंढा, एक्चुअली वो बाथटब नहीं था, वो ना वॉश बेसिन था, उसको सारा नीचे रखा हुआ था। मैं बोला हे भगवान, बट यू नो व्हाट, इट मेड माई ट्रिप मोर इंटरेस्टिंग, आई कुड एंजॉय द ट्रिप मोर। आर यू गाइस विद मी, या सच डिटेल्स। So when you read normal English word par med easy, when your vocabulary is good, result of normal English, when your vocabulary is good, you'll enjoy the entire Hong Kong trip, you'll enjoy the bloody entire reading comprehension as well. Are you guys with me? इसलिए ये किताब पढ़ो, मजा आ जाएगा, और कैट किंग के साथ जुड़े रहो। आई होप यू गाइज आर इंजॉइंग द एंटायर स्टफ,
ऑल द एफर्ट्स बाय मी एंड एंटायर द टीम ऑफ टॉपर्स जो हम DILR पढ़ रहे हैं, तो आप मजे कर रहे हैं। आज आपका क्लास फिर से है DILR का, वॉच एवरी वर्ड, आप मजे करेंगे और हमारे साथ जुड़े रहिए। और कल का क्लास है मेरे साथ, आज का क्लास है सुधांशु सर के साथ, और हम डेटा इंटरप्रिटेशन लॉजिकल रीजनिंग आज कर रहे हैं। जो लोग कैट किंग के स्टूडेंट्स नहीं हो, वेलकम टू कैट किंग कोर्स, ज्वाइन कर सकते हो, देयर सम डिस्काउंट गोइंग ऑन, चेक इट अप, नीचे लिंक मिल जाएगा। और अगर मेरे साथ जूम कॉल करनी है, मेरे असिस्टेंट का, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का नंबर मिलेगा, हम लोग जूम कॉल भी कर सकते हैं। हाउ टू इनरोल फॉर क्लासेस फॉर नॉर्मल नॉलेज, अभिषेक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और मैं बड़ा दिल से पढ़ाता हूँ, और जो कैट किंग के स्टूडेंट है बड़े ही दिल से पढ़ाता हूँ और बड़े ही मेहनत करता हूँ, और तुम लोग भी जुड़े रहो। अगले 40 दिन मेरे को दे दो, जिंदगी के अगले 40 दिन मेरे को दे दो, मैं तुम्हारा जीतू भाई बन के दिखाऊंगा, प्रॉमिस है मेरा। देखा कि नहीं आपने, जीतू भाई ने देखा ले, हाँ 40 दिन बस ठीक है। अभी वोकैबुलरी और DILR, अगले 10 दिन का शेड्यूल ये है मई मंथ का। जून मंथ के अंदर हम लोग मैच पढ़ रहे हैं, जून मंथ के अंदर रोज रात को एक एक घंटा मैच होगा, और सेम रिपीट लेक्चर अगले दिन सुबह एक घंटे का दोबारा मैच होगा, लाइव चैट, जीतू भाई ओपी, बिल्कुल बिल्कुल, दिन रात आपके साथ मैच भी पढ़ेंगे। तो ये अभी DILR, फिर मैथ्स, जून एंड में विल डू वन मोर सेशन लाइक दिस। आई एम प्लानिंग टू डू अ जूम कॉल विद ऑल माय स्टूडेंट्स, बिकॉज अभी यूपी, बिहार, उत्तराखंड, कहाँ कहाँ से बच्चे हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बट आई एम नॉट एबल टू सी देयर फेसेस। तो एक एक बार शक्ल, लाइक कार्तिक लोखंडे को मैं जानता हूँ, बहुत से लोगों को जानता हूँ। अरे अपूर्व गुप्ता भैया, तेरे को मैं शेड्यूल दे दूंगा पूरा का पूरा, उसके अंदर पैरा जंबल, RC, क्रिटिकल रीजनिंग सब कुछ है। कल रात को हमने क्रिटिकल रीजनिंग किया था, तो आपकी एक बार शक्ल दिख जाएगी मुझे तो भाई बहुत ही मजा आएगा। थैंक यू सो फॉर ज्वाइनिंग गाइस, ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय। रीड नॉर्मल इंग्लिश वर्ड पर मेडिटी, और मेरा कल है क्लास रात को, और मजे करेंगे। जूम कॉल अब तक नहीं हुआ, वर्णिका शुक्ला होना चाहिए, नीचे लिंक दिया होगा, आशिका, उसको फोन करते रहो जब तक आप लोगों को मेरे साथ जूम कॉल का अपॉइंटमेंट नहीं मिले, फोन करते रहो, एक बार फोन करके छोड़ना मत। लाइफ इज वेरी बिजी, बट 4 से लेकर 6 बजे तक मैं लोगों को टाइम स्पेंड करता हूँ, मीटिंग्स करता हूँ उनके साथ, उनको सेट करता हूँ। सात्विक, फोन करते रहो, नीचे नंबर मिलेगा। एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट वर्बल मास्टर क्लास, वर्बल मास्टर क्लास कल रात को, आज रात को मिलेंगे। और राशि अग्रवाल, रात को मिलेंगे, बिल्कुल बेब, रात को मिलेंगे जोक से बात। थैंक यू गाइज, बाय बाय करते मुश्किल यार, एक लाइक क्लिक कर दिया करो, 82 लोग हो तो 68 लाइक है, जाते जाते लाइक कर देना। हाँ थैंक यू, और किसके कमेंट में रिप्लाई नहीं कर पाया नीचे जवाब दे दो, मैं रिप्लाई करूंगा, जिनका प्रोफाइल भी रिव्यू करना है नीचे करो। थैंक यू सो मच, बाय 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 नंदिनी।